बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए ईद की मुनासबत से एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको फ्राई कबाब बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार लजीज कबाब बनते हैं, इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा। तो इनके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमको चाहिए, चलिए आइए सबसे पहले वो देख लेते हैं। बीफ मिन्स है मेरे पास, यानी कि गाय का कीमा, ये आधा किलो है बारीक मशीन का, लेकिन इसे हम फिर भी चॉपर में मसालों के साथ चलाएंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा, हरी मिर्चें हैं, मैंने कुछ मोटी और कुछ पतली मिला के लिए हैं, आप जैसी पसंद करें ले लीजिएगा। आधी गट्टी साबुत लहसुन की है, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का है और एक तकरीबन 2-2.5 इंच का टुकड़ा जो है ये कच्चे पपीते का है। सिवाय हरे धनिया के बाकी तमाम चीज़ें हम पहले चॉपर में चला लेंगे, उसके बाद हम उसके अंदर कीमा और तमाम मसाले डालेंगे और साथ ही फिर ये हरा धनिया भी डाल देंगे। दही, देसी घी, इसकी जगह आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भुना हुआ बेसन, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी और ये है टिक्का बोटी मसाला। अगर आप बहुत ही सिंपल वे में रेसिपी बनाना चाहते हैं या फिर मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम पैकेट का मसाला यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसके अंदर टिक्का बोटी मसाला यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ पैकेट के मसाले से बना सकते हैं इसे। और अगर आप इस तमाम मसाले से बनाना चाहें तो फिर 1 टेबल स्पून भर के इसमें टिक्का बोटी मसाला यूज़ कीजिएगा, ज़रा मसाले से टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तमाम खड़ा मसाला मैंने चॉपर में डाल दिया है, पहले हम इसे चॉप करेंगे। इसे चॉप करने के बाद अब हम इसके अंदर कीमा और तमाम मसाले डालेंगे। इसी के अंदर हम कीमा डाल देंगे पहले और इसी वक्त इसके अंदर चला जाएगा तमाम मसाला। अब हम इसे बंद करेंगे और खूब अच्छे तरीके से इसको कीमे को पीस लेंगे। इसे पीस लिया मैंने अच्छे तरीके से, एक बोल में निकाल लेती हूँ। कीमे को मैंने अच्छे तरीके से पीस के और एक बोल के अंदर निकाल दिया है और इसके ऊपर मैं फॉइल का एक पीस रख रही हूँ। इसके अंदर मैं हरा धनिया मिलाते वक्त आपको दिखाना भूल गई थी, तो वो मैंने ऑफ कैमरा मिला दिया है और चॉपर में चलाया है उसे भी। इसके ऊपर मैं कोयले का ये एक छोटा सा पीस रख दूंगी। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फौरन ही एक प्लेट से अच्छे से इसे ढक देंगे और तकरीबन 5 मिनट हम इसे ढका रहने देंगे। 5 मिनट के बाद धुआं सेटल हो जाएगा तो हम इस प्लेट को हटा देंगे और इस कोयले को भी हटा देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर क्लिंग फिल्म चढ़ा देंगे। मैंने इसे क्लिंग फिल्म चढ़ा दिया है। अब इसे मैं ओवरनाइट मैरिनेट करूंगी, फ्रिज में रख दूंगी। आप अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो कम से कम इसे 4 घंटे के बाद बनाइएगा। अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा सा कम तेल लिया है। 2 तरीके हो सकते हैं इसको बनाने के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल स्पून तेल के साथ कीमा डाल दें और कीमा डालने के बाद अच्छे तरीके से उसको पकाने के बाद भगार लगा दें ऊपर से अलग से, या फिर आप उसको भगार लगा के सिर्फ प्याज तली हुई बाहर निकाल लें और तेल जो है वो उसमें रहने दें और तली हुई प्याज जो है वो ऊपर से कर लें। तो मैं भी इसी तरीके से कर रही हूँ। मैं ये तकरीबन मैंने 1 मीडियम साइज की प्याज ली थी, इसको फ्राई कर रही हूँ, ये लाल हो जाएगी, तेल छोड़ दूंगी, उसमें कीमा डाल दूंगी और प्याज निकाल के रख दूंगी। लाल हो गई है, मैं ज्यादातर प्याज इसमें से निकाल लूंगी, बस सिर्फ 1 टेबल स्पून इसमें बची रहने दूंगी। और अब बिल्कुल चूल्हा हल्का करके मैं इसके अंदर कीमा डाल रही हूं। इसको कवर लगा देते हैं, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर इसे छोड़ देते हैं। तो ये 5 मिनट के अंदर अपना पानी रिलीज कर देगा,
फिर हम इसको इसी पानी के अंदर अच्छे से पका लेंगे, हम इसे इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। 5 मिनट के अंदर इसके अंदर से पानी अच्छा खासा निकल गया है, मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दिया। और मैंने नीचे तवा रख दिया है क्योंकि ये बिल्कुल बारीक कीमा है तो ये बहुत जल्दी लग जाता है और ये पकने में भी सिर्फ 5 से 10 मिनट लेगा। मैंने पानी बिल्कुल इसके अंदर नहीं डाला है, इसको मैं ढकना लगा के और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए और पकाने रख रही हूँ। तो ये इतनी देर में तैयार हो जाएगा। और इसको पतला या बिल्कुल भुना हुआ रखना है ये आप पे डिपेंड करता है, तो आप अगर बिल्कुल भुना हुआ रखना चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा देर पका लीजिएगा। 5 मिनट मैंने इसको दम पे और पका लिया है, कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है और आप देखिए ऑयल थोड़ा सेपरेट हो गया है। दोनों ऑप्शन आपको दे दिए, आप जिस तरह चाहें उस तरह बना सकते हैं। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और अब इसे मैं डिश में निकाल रही हूँ। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार फ्राई कबाब बिल्कुल रेडी है। इनके साथ हमने हरा मसाला और प्याज के रिंग सर्व किए हैं, साथ ही हमने रायता सर्व किया है। तो रायता आप मेरी प्लेलिस्ट में से देख के कोई भी अपनी पसंद का बना सकते हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ईद पर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिए। इसके अलावा बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया कीजिए क्योंकि उससे नए आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएंगे। मेरा एक फेसबुक पेज भी है, उसे चेक कर लिया कीजिए, वहाँ काफ़ी रिटन रेसिपीज होती हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।